चल गया, लेकिन उस तरह से नहीं चल सकता जैसे मुल्तान में चले, ये पिच अलग है वो अलग है। तो अगर 260 तक कर दिया 50 तक, तो हमारी बॉलिंग जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह इनको काबू कर देगा इंडिया को। पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई, यहाँ वैसे भी नहीं टूटेगा यार। देखो रात को सो जाओ सुबह उठो तो फलाना चीज बढ़ गया, फलाना चीज बढ़ गया, रात को सोए सुबह उठो पेट्रोल डीजल बढ़ गया। इस बार मुश्किल है पाकिस्तान में, इंडिया में जरूर टूटेगी। विराट कोहली को पहले आउट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले वर्ल्ड कप में भी खेला था, अच्छा खेला, जो दो छक्के मारे थे उसी से गेम उन लोगों ने जीता था। ब्लड प्रेशर की गोली किसको लेनी चाहिए, इंडिया को या पाकिस्तान को? अभी से इंडिया को लेनी चाहिए, इंडियन को ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर को दो दो गोलियां खानी है, और पाकिस्तान तो बगैर गोलियों के इंशाल्लाह। टीम स्ट्रॉन्ग है अपनी, स्ट्रॉन्ग टीम है, अभी भी पक्की है इस बार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक बड़ा टाकरा होने वाला है। अभी से जो है आपकी बाइक का जो है दिल की धड़कनें टक टक कर रही है, कौन जीतेगा ये मुकाबला? सिर्फ और सिर्फ कल होने वाला है 2:30 बजे। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि वो प्रेशर में है या नहीं, कौन जीतेगा ये मुकाबला, किस पे होगा प्रेशर। आइए मेरे साथ, जीतेगा मैच, यकीन है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। क्या लगते हैं प्रेशर किस पे होगा, इंडियन पे या पाकिस्तान? ज्यादा प्रेशर है इंडिया के ऊपर, ज्यादा परेशान, क्योंकि पाकिस्तान नंबर वन भी आ गया और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सारा। तैयारी मुकम्मल कर दी आपने मैच देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार, स्क्रीन लगा दी हम लोगों ने कल से लगा के। बाहर जा नहीं सकते, पेट्रोल 306 पे चढ़ गया। हाँ यही तो मसला है, महंगाई की वजह से आवाम सारा मायूस हो गई है। क्या लगते हैं बाबर आजम कितने बनाएगा? 50 मारेगा और इंशाल्लाह कोशिश करेगा, अगर इस दफा अगर लाला सही खेला अपना इफ्तिखार भाई। चाचा हाँ चाचा चल गया तो फिर इंडियन तो गया, फिर इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्या लगता है, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस टीम के ज्यादा चांस है? पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और इंडिया की बैटिंग अच्छी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच। अगर पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने और 240 तक स्कोर किया तो पिच खतरनाक है, और पाकिस्तान जो है ना उसकी बॉलिंग अटैक मजबूत है, वो जीत सकता है आराम से। इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग, जीतेगा। यस yes. आपको क्या लगता है इंडिया का वो कौन सा प्लेयर है जिसको पहले आउट करना होगा यार, जिसे खतरा है? विराट कोहली। विराट कोहली हाँ यस यस। विराट कोहली क्यों पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करता है, क्या वजह है इसकी, मेन वजह? उसकी पता नहीं मेन वजह ये सब, बस क्या बोले। और विराट कोहली अच्छा है या फिर बाबर आजम? बाबर आजम नसवार लगा दिया। हाँ लगा दिया। क्या लगते हैं चाचा कितने रन करेगा इफ्तिखार चाचा? इंशाल्लाह ताला सेंचुरी पक्का है उसका। पक्की या भाभी पक्की नहीं है? पक्की। विराट कोहली को पहले आउट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले वर्ल्ड कप में भी खेला था, अच्छा खेला था, जो दो छक्के मारे थे उसी से गेम उन लोगों ने जीता था। मैच कहाँ देखोगे इस बार? मैच इंशाल्लाह अपने घर में। घर में बाहर जा नहीं सकते, पेट्रोल महंगा हो गया 306। क्यों नहीं, अगर बाहर टीवी लगे तो बाहर देख लेंगे। पेट्रोल 306 हो गया, चलो कुछ नहीं होगा, मैच देखेंगे। चाचा हाँ बहुत महंगा हो गया, ये निगरा हुकूमत ने और महंगा कर दिया। उनका बुमराह आ गया, काफी बोल ले के हमारा जो है शेयर आ गया बुमराह, क्या लगते हैं बॉलिंग कर पाएगा नहीं पाकिस्तान के खिलाफ? देखो प्रेशर डालने के ऊपर है, पाकिस्तान का पहली बैटिंग होगा ना तो विकेट टिक गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आराम से निकाल देगा, और जैसा कि कभी कभार हो जाता है ऐसा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। टीवी कहाँ टूटेंगे इस बार? बस कमजोर दिल वाला तोड़ेंगे, कमजोर दिल वाला। हाँ पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई, यहाँ वैसे भी नहीं टूटेगा यार। देखो रात को सो जाओ सुबह उठो तो फलाना चीज बढ़ गया, फलाना चीज बढ़ गया, तो रात को सोए सुबह उठे पेट्रोल डीजल बढ़ गया। इस बार मुश्किल है पाकिस्तान में, इंडिया में जरूर टूटेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या लगते हैं एशिया कप भी अपना होगा और भाभी भी अपनी होगी या नहीं? बेशक होगी इंशाल्लाह, होगी 100%। भाभी को भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, तो सबसे पहले आउट करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा दुनिया के दो टॉप बैट्समैन हैं, उनको अगर जल्द आउट कर दिया गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आसानी से जीत। क्या लगता है मैच आखिरी गेंद तक जाएगा या वन साइडेड होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वन साइड आखिरी बॉल तक जाएगा, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, उसको 250 तक स्कोर करना चाहिए इस पिच पे। आपका दिल क्या कहता है कौन जीतेगा, आपका जो दिल कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अल्लाह मियां फतह देगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। अगर दूसरी तरफ देखे तो इंडिया के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो क्या लगता है मुकाबला वन साइडेड होगा या मुकाबले आखिरी मुकाबला अच्छा होगा इंशाल्लाह? टीमें अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह, जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्या लगता है बाबर आजम कितने रन बनाएगा? अल्लाह ने चाहा तो 100 से ऊपर जाएगा, खेलने वाला प्लेयर है, अल्लाह मौका देगा और अच्छा स्कोर करेगा। एशिया कप लेके आएंगे ना इस बार इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीत के आएगा एशिया कप भी,
अपना होगा और भाभी भी अपनी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगता है उनका कौन सा प्लेयर है जिसको पहले आउट करना चाहिए जिससे खतरा है हमें? विराट कोहली है और शर्मा है, यादव है, पांडे का तो वो स्पिनर आउट कर सकता है इनको। मतलब इनको पहले आउट करना होगा? इनको आउट करना होगा 200 तक, उसको अगर आउट कर दिया पाकिस्तान तो फिर मैच जीतेगा। और पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग की 250 तक कर दी तो इस पिच पे 250 बहुत है इंशाल्लाह। ब्लड प्रेशर की गोली किसको लेनी चाहिए, इंडिया को या पाकिस्तान को अभी से? इंडिया को लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर। पाकिस्तान की टीम अभी स्ट्रांग है? हाँ स्ट्रांग है, बॉलिंग उसकी बहुत स्ट्रांग है इंशाल्लाह। भाभी भी अपनी होगी, एशिया कप भी अपना होगा, वर्ल्ड कप भी अपना होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा पाकिस्तान। क्या लगता है चाचा नस्वार मार के कितने रन बनाएगा? चाचा इंशाल्लाह नस्वार के बगैर 150 रन बनाएगा, 150 मारेगा। बाबर आजम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या लगता है बाबर आजम कल परफॉर्म कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ? बाबर आजम की तो परफॉर्मेंस लाजमी है, उसकी परफॉर्मेंस लाजमी हो, उसको इंशाल्लाह वो करेगा। 150 जैसे मारा था इंशाल्लाह इसी मैच में भी 2 सितंबर को मारेगा। आप पे प्रेशर ही नहीं है, कल बड़ा मैच है, बंदा घबरा जाता है यार कौन जीतेगा कौन नहीं? हाँ बहुत प्रेशर है, प्रेशर तो होता है सब पे होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। कल छुट्टी मारोगे यहाँ काम से? कल तो छुट्टी छुट्टी है, सुबह से पहला मैच जाए और कुछ बाढ़ में जाए? हाँ बाढ़ में जाए, सब कुछ बाढ़ में जाए, लेकिन 2 सितंबर को हम मैच खेलेंगे। क्या लगते है कितने कितना परसेंट चांस है इंडिया के, कितना परसेंट चांस है पाकिस्तान का? इंडिया का तो मेरे को 10% भी नहीं लग रहा है, इंशाल्लाह जीत पक्की है। 10% भी नहीं लग रहा है? 10%। भाभी भी पक्की है? भाभी भी पक्की है और एशिया कप भी पक्का है और वर्ल्ड कप भी पक्का है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वन साइड ही होना चाहिए। उनके साथ विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ओडीआई का बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन हमारे बॉलरों के खिलाफ वो कभी नहीं चला। शाहिनशाह हो गया, आरिस रऊफ, नसीम शाह जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलर के सामने वो नहीं चला। पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर जो ग्राउंड में आएगा और आग लगा देगा पूरा? पाकिस्तान का प्लेयर बाबर आजम अगर बैटिंग लाइन पे लाए तो बाबर आजम की अहम रोल होगी और अहम किरदार होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अगर पाकिस्तान की फर्स्ट बैटिंग हुई अगर 20 ओवर तक इसको विकेट नहीं देना है, 20 ओवर तक नहीं देना है। हाँ विकेट 10 ओवर बहुत खतरनाक है, 20 ओवर तक स्लो बले के लिए विकेट नहीं देना है। उनका बुमराह एक बॉलर है, इंजरी के बाद वो वापिस आया, काफी अच्छा बॉलर है वो, क्या लगते हैं तंग करेगा पाकिस्तान की टीम को? हाँ थोड़ा बहुत तो तंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान की बाबर आजम को चाहिए कि 20 ओवर तक विकेट ना दे, बड़े स्कोर कम करे 20 ओवर तक, इसके बाद जो है ना अटैक करे। हाँ अटैक करे और 200 चाचा अगर चल गया, लेकिन उस तरह से नहीं चल सकता जैसे मुल्तान में चले, ये पिच अलग है वो अलग है, तो अगर 260 तक कर दिया 50 तक तो हमारी बॉलिंग जो है ना स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह उनको काबू कर देगा इंडिया को। कल मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, एक बड़ा मैच होने वाला है, क्या लगता है प्रेशर है या नहीं? सबको पहले अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान नंबर वन टीम है और फिर तो पाकिस्तान इंडिया का मैच का अलग ही मजा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, फखर जमान, इमाम और सब की, शाइन की, आरिस रऊफ, नसीम शाह, इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, पाकिस्तान जीतेगा। क्या लगता है इंडिया का वो कौन सा प्लेयर है? बिल्कुल इसी में कोई शक नहीं, और यकीनन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है एक बड़ा माहौल होता है, गर्म जोश होता है, और लेकिन जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर होगा, प्रेशर तो खैर हिंदुस्तान पे होगा क्योंकि हमारी बर्तरी इस वक्त उसके ऊपर हैवी है, और माशाल्लाह जिस तरह तगड़ी लाइन और गेंदबाज हमारे पास है, शाहिन शाह, नसीम शाह और आरिस रऊफ, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर हमारी उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस। बाबर आजम और चाचा ने जैसे पहले मैच में काफी अच्छा, बाबर आजम ने 150 मारे, चाचा ने सेंचुरी मारी, क्या लगता है कल के मैच में बना पाएंगे? इंशाल्लाह बाबर तो इंशाल्लाह कल के मैच में भी उनके सेंचुरी होगी, और चाचा तो फिनिशर है, वो तो इंशाल्लाह करेगा, आखिरी में अच्छे रन करेंगे, कम बॉलों पे तेज रन इंशाल्लाह। मतलब इस बार एशिया कप अपना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह एशिया कप भी अपने और भाभी भी अपनी है। भाभी भी अपनी है, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, क्योंकि नंबर वन टीम है और इस नंबर वन पोजीशन को बरकरार रखना होगा पाकिस्तान। टीमों पर प्रेशर होगी क्योंकि नंबर वन टीम के साथ वो लोग खेलेंगी, प्रेशर होगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि नंबर वन टीम अगर किसी तीसरे चौथे पांचवें नंबर के साथ खेले प्रेशर तो होता है ना, और फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। ब्लड प्रेशर की गोली किसको लेनी चाहिए, इंडियन को या पाकिस्तान को? नहीं इंडियन को ज्यादा लेनी चाहिए क्योंकि हर प्लेयर को दो दो गोलियां खानी है, और पाकिस्तान तो बगैर गोलियों के इंशाल्लाह।
टीम स्ट्रॉन्ग है अपनी, स्ट्रॉन्ग टीम है, अभी भी पक्की है इस बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एशिया का एक प्लेयर है विराट कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ वो अक्सर खड़े हो जाते हैं, स्कोर कर देते, तो क्या लगता है कल चल पाएगा? नहीं इंशाल्लाह, शाहीन अफरीदी हमारे पास है ना, उसका तोड़ इंशाल्लाह शायद शाहीन अफरीदी आउट करेगा उसको इंशाल्लाह। एशिया कप भी लाएंगे और भाभी भी लाएंगे इंडिया से इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर विश्व को भी लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बाबर आजम कितने रन बनाएगा? बाबर आजम इंशाल्लाह 100 रन से ऊपर ऊपर बनाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या लगता है मुकाबला वन साइडेड होगा या आखिरी गेंद तक जाएगा? मेहनत होगी, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत पाकिस्तान करेगा। लगता है उनका कौन सा प्लेयर है जिसको पहले आउट करना होगा? कोहली और रोहित जो है ना, इनको आउट कर देगा ना फिर प्रेशर आ जाएगा इनपे। नया प्लेयर है शुभमन गिल, क्या लगता है चल पाएगा? नहीं नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले कभी खेला नहीं है और पाकिस्तान माशाल्लाह इसका जो बॉलिंग लाइन है ना वो टॉप है। जितना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इंडिया की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, विराट कोहली उनके साथ, रोहित शर्मा है, तो क्या डरना नहीं चाहिए, दिल बांध के खोलना क्यों करना चाहिए? क्या मशवरा दोगे खिलाड़ियों को कैसे खेलना चाहिए? मेहनत का अच्छा तरह को खेलें, अच्छा खेलें, खेलें डरे नहीं, डरे नहीं, मारे मारे डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक पे जाए, बिल्कुल मारे। एशिया कप भी लाने और भाभी को भी लाने इंडिया से इंशाल्लाह। क्या लगता है उनका कौन सा प्लेयर जिसको पहले आउट करना होगा? वैसे तो उनके टीम में तो बहुत से है माशाल्लाह, उनकी भी बैटिंग लाइन एक मजबूत है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर बैटिंग लाइन है, लेकिन द फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दो चॉइस है सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली, इन दोनों को कंट्रोल कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा।